कार्गो फिल्म को देखकर कैसे पता चलेगा कि लोग मरने के बाद कहां जाते हैं, क्या है कार्गो की कहानी। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हुसानिया सैफी। दोस्तों, एक साइंस फिक्शन फिल्म आ रही है, फिल्म का नाम है कार्गो। ये इंडिया की पहली फिल्म है जो पूरी तरह से स्पेसशिप के अंदर घटेगी। नहीं, ये वो फर्जी वाली नहीं, सही में अपने तरह की पहली फिल्म है। इसे देखते वक्त आपको ग्रेविटी, इंटरस्टेलर और पैसेंजर्स जैसी हॉलीवुड फिल्में याद आएंगी। हो सकता है वो इससे बेहतर या कमतर हो, लेकिन वो फिल्में कॉन्सेप्ट्स के मामले में कार्गो के आसपास भी नहीं है। कार्गो शब्द का इस्तेमाल माल ढोने वाले जहाजों या वैसे ही किसी वाहन के लिए किया जाता है। फिलहाल जो है कार्गो का टीजर आया है जो कि फिल्म के नाम और कॉन्सेप्ट के बीच की खाई को पाटता नजर आ रहा है। कार्गो की कहानी हमारी दुनिया से बाहर शुरू होती है। ये कहानी मनुष्य की आफ्टर लाइफ के बारे में है, मतलब कोई मरने के बाद कहां जाता है। अगर बड़े बुजुर्गों की माने तो अच्छे कर्म करने वाले लोग स्वर्ग में जाते हैं और बुरे कर्मों का फल हमें नरक के रूप में मिलता है। यहाँ ये फिल्म थोड़ी फिक्शनल होती है। फिल्म के डायरेक्टर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये एक ऐसे स्पेसशिप की कहानी है जो हर सुबह धरती के करीब आती है, मर चुके लोगों को अपने साथ ले जाने। लेकिन कहाँ ले जाती है, क्यों ले जाती है, इसकी डिटेलिंग फिल्म का टीजर नहीं करता। वैसे तो ये एक साईफाई फिल्म है, लेकिन इसका इंडियन कल्चर से भी इसका तगड़ा कनेक्शन है। इसे इंसानी दुनिया से दूर इंसानियत और इमोशन में लिपटी हुई फिल्म बताया जा रहा है। ये फिल्म स्वर्ग नर्क जैसे कंसेप्ट को तो तजती है, लेकिन टीजर के आखिर में पता चलता है कि स्पेस शिप को प्रहस्थ नाम का एक राक्षस चला रहा है। वो अपने इस काम को पोस्ट डेथ ट्रांजिशन सर्विसेज बताता है। ये प्रहस्त भयानक सा दिखने वाला कोई रेगुलर राक्षस नहीं है, एस्ट्रोनॉट टाइप कुछ है। और ये सर्विस अपने एक कलीग के साथ मिलकर चला रहा है। टीजर काफी इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, कंफ्यूजिंग और नए टाइप का है। और ऐसा लग रहा है कि ये चिल्ला चिल्ला कर टाइट सर्फ के एड वाली लाइन कह रहा है, क्यों जग गए। आमतौर पर यूं होता है कि इस तरह की फिल्मों को बनाने में काफी मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। स्थापित कलाकारों को कास्ट किया जाता है ताकि जो पैसे खर्च किए गए हैं वो रिलीज के बाद वापस आ जाए। लेकिन ये फिल्म काफी छोटे बजट में बनी है। एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में कुछ कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन फिल्म के मेकर्स का कहना है कि सैंड्रा बुलक की फिल्म ग्रेविटी के बजट के सबसे छोटे टुकड़े से भी कम खर्चे में ये फिल्म बन गई है। ग्रेविटी का बजट $100 मिलियन था। फिल्म कार्गो में विक्रांत मैसी और श्वेता त्रिपाठी लीड रोल्स कर रहे हैं। विक्रांत को हमने लुटेरा, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का और अ डेथ इन द गन जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्मों में देखा है। वहीं मसान जैसी सराही गई फिल्म से पब्लिक के बीच जगह बनाने वाली श्वेता आगे हरामखोर और गॉन केस जैसी फिल्मों में नजर आई। विक्रांत और श्वेता अमेजन प्राइम के चर्चित सीरीज मिर्जापुर में एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर चुके हैं। इन दोनों के अलावा फिल्म में नंदू माधव भी नजर आ रहे हैं। नंदू मराठी फिल्म एक्टर हैं। हरीश चंद्राची फैक्ट्री और सरकार नाम जैसे चर्चित मराठी में मुख्य भूमिकाएं निभा चुके हैं। इसके अलावा वो दायरा और जिस देश में गंगा रहता है जैसी हिंदी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आरती कादव ने। आरती इससे पहले कई शॉर्ट फिल्में बना चुकी हैं। उनके खाते में गुलमोहर, उस पार और टाइम मशीन जैसी शॉर्ट फिल्में हैं। कार्गो बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म होगी। इस फिल्म को अनुराग कश्यप और हरामखोर की डायरेक्टर श्लोक शर्मा कुछ और लोगों के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस लाइनअप को देखते हुए इस फिक्शनल कहानी के भी काफी रियलिस्टिक और ऑथेंटिक होने की उम्मीद की जा रही है। अभी फिल्म का सिर्फ टीजर आया है जिसमें रिलीज डेट का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, मुंबई वाले साथियों के लिए अच्छी खबर यह है कि कार्गो को मामी यानी कि मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज फिल्म फेस्टिवल में 18 और 19 अक्टूबर को प्रीमियर किया जाएगा। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हुसानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।